नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, व्यवसायियों की मजबूत संगठन नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने व्यवसायिक समस्याओं के साथ साथ क्षेत्र के सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। वहीं आज नियामतपुर स्कूल रोड स्थित एक निजी मैरिज हॉल में नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य तरीके से सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जहां विभिन्न प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम कराती है। इसके साथ 5 लोगों को उनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वहीं शिल्पांचल गौरव के तहत युवा उद्योगपति अमित अग्रवाल और प्रख्यात समाजसेवी संतोष भाई जी को नवाजा गया। इसके साथ ही बीते वर्ष दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, मुहर्रम और रामनवमी अखाड़ा कमेटियों को पुरस्कृत किया गया और इस वर्ष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बेहतर क्रमांक लाने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कई महानुभाव उपस्थित थे। इसके साथ ही शहर के पुलिस के मुखिया, पुलिस कमिश्नर डीपी सिंह साहब ने भी शिरकत की और उन्होंने पुलिस और जनता के बीच मधुर संबंध कायम करने का आश्वासन दिया। साथ ही जनता से पुलिस के लिए सहयोग भी मांगा। इनके प्रेरणा से उत्सव घर पर मनाता है। मैं आज गर्व महसूस कर रहा हूँ।
बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है और हमारे बंगाल के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। मैं उनको आज नामक चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्पॉन्सर गौरव करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने कमिश्नर साहब से पुनः आग्रह करूंगा कि आप प्लीज अपने कर्म मनोकारों को सम्मानित करें और स्पॉन्सर गौरव का खिताब जो है उनको दें। देश के बनाए हुए कानून की रक्षा करना शुरू करिए। शायद
आप भी आगे बढ़ेंगे, हमारे डिपार्टमेंट का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हम सभी को जो हमारे आने वाली पीढ़ी है इसको आज हम जिस तरीके से संवर्धन देने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो शायद हम सभी लोगों को एक साथ मिलके हम उनके लिए अपने क्या भविष्य देना चाहते हैं, शायद एक रूपरेखा हम सभी लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है जिस माहौल में हम आगे बढ़े हुए हैं उसी माहौल में हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। हमारे बच्चों के सामने एक अलग जीवन है, एक अलग दुनिया है, वो हमारे भविष्य के जो है वो वही मार्गदर्शक होने जा रहे हैं और वही आगे वाले आने वाले समय में हम लोगों को लीड करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के सामने एक सही रूपरेखा हमको तैयार करें और सही मायने में वही हमारे देश की दिशा और दशा दोनों कैसे होगी उसका निर्धारण करेंगे। तो आप सभी लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग जिस तरीके से हम लोग कानून को मानते हैं उस तरीके से आप सभी लोग कानून की को मानिए। बहुत पहले एक आवाज कही गई थी कि आप कानून की रक्षा करिए, कानून आपकी रक्षा करेगा। शायद देर हो सकती है लेकिन निश्चित रूप से जो लोग कानून को मानते हैं अंत में जो है कानून की जरूरत से जीत होगी और कानूनी जो है कानून की हमारी सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। आप सभी लोग अगर मिलके हमारा साथ देंगे तो शायद हम अच्छा से अच्छा आपको लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम डिटेक्शन में हम आपकी मदद कर पाएंगे। जैसा कि कल एक हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हम शायद आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आसानी से छोड़ दी जाएगी तो शायद हम जिस तरीके की कल्पना करते हैं वो शायद कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो यहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी और किस तरीके की चीजें वो चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ के जो नेता है जो यहाँ के उनको हम नहीं चुनते, आप चुनते हैं। तो जब आप उनको चुनते हैं तो जितनी जिम्मेदारी आपकी है शायद उससे कम जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा भविष्य अपने बच्चों के लिए दे पाएंगे। आप सभी लोग को यहाँ पर आने के लिए और हमारे इतना थोड़ा मैं लेट आया उसके लिए आप सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में भी जो हम लोगों का संवाद आज बना है वो जारी रहेगा। धन्यवाद। सर आज कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने कुछ लोगों को अवार्ड दिया, वो अवार्ड क्या था और किस पर्पज में आप लोगों ने दिया? हम लोग हर एक साल न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दो लोगों को शिल्पांचल गौरव का खिताब देते हैं। वो खिताब देने का मकसद एक ही है ताकि हमारे बीच जो प्रतिभाएं हैं, जो बिजनेसमैन अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, समाज को प्रोत्साहन करते हैं, हम लोगों का फर्ज है कि उनको सामने लाएं, उनको सम्मानित करें। सम्मानित करने से जिम्मेवारियां और बढ़ती हैं ताकि वो और अच्छा कार्य करें और अपने इलाके का नाम रोशन करें। हमारे एक शिल्पांचल गौरव है। इस बार आप लोगों ने किन लोगों को अवार्ड दिया? हम लोगों ने दो लोगों को इस बार शिल्पांचल गौरव से खिताब दिया है। एक है संतोष भाई जी जो कि कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं और दूसरे हैं श्री अमित अग्रवाल जी जो कि जय श्री ग्रुप के चेयरमैन हैं। तकरीबन 18-19 फैक्ट्रियाँ जो कि बंद हो चुकी थी उन्हें खरीद के उन्हें पुनर्जन्म दिया है और एक नौजवान होते हुए भी इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े लोग हासिल नहीं कर सकते। हमारा फर्ज था कि लोगों के सामने इनको उजागर किया जाए। आप चैम्बर से जुड़े हुए हो, ये अवार्ड आप लोग कब से दे रहे हो? ये अवार्ड हम लोग पिछले 8 सालों से दे रहे हैं और हर एक साल हम लोग दो प्राणियों को शिल्पांचल गौरव और 5 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित करते हैं। सर आज जो आपको अवार्ड मिला है, अवार्ड पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा? मैं पहले तहे दिल से न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का धन्यवाद देता हूँ जो उन लोगों ने मुझे चिन्हित किया और ये अवार्ड दे करके मुझे सम्मानित किया। मैं इस अवार्ड के लिए अभी अपने आप को काबिल नहीं समझता लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ शिल्पांचल मतलब सिल्प मतलब इंडस्ट्री और जहाँ पर हम लोग की इतनी इंडस्ट्री है यहाँ का एक भी आदमी बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। ये एरिया का हर में के लड़के नौजवान अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम करेंगे और हम लोग उनको काम देने का के लिए तत्पर हैं। सर आप तो इंडस्ट्री के प्राउड हो, जो लोग इंडस्ट्री से भागना चाह रहे हैं उनको लग रहा है कि बाहर जाकर बिजनेस करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? अभी पूर्ण रूप से इंडिया का कल्चर चेंज हो चुका है, सबको आना चाहिए, साथ मिलकर के बंद इंडस्ट्री को चालू करना चाहिए। एक नई इंडस्ट्री को लगाने में जितना मेहनत है
उसको उससे बहुत कम मेहनत में आपकी पुरानी इंडस्ट्री चालू हो जाएगी और रोजगार तुरंत लोगों को मिलेगा, जिसका लाभ पूरे सोसाइटी को तुरंत मिल सकता है। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपका नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत ही उच्च कार्यक्रम था ये। इसमें सबसे अच्छा बात जो बच्चों को आगे लाना, बच्चों का ये बढ़ाना, इसके लिए मैं नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तहे दिल से वापस से फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।